हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स स्टैक। दोस्तों, अगर माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर आपके सिस्टम में काम नहीं कर रहा तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे फिक्स करना है अपने इस इशू को। तो माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों काफ़ी यूजफुल रहता है। यहाँ पर कई चीज़ें हम डाउनलोड कर सकते हैं और आप गेमिंग में भी बहुत सारे ऐप्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपके सिस्टम में ये काम नहीं कर रहा है तो मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको चार मेथड बताने वाला हूँ कैसे फिक्स करना अपने इशू को। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है सर्च बार में WS रीसेट। इससे होगा क्या दोस्तों, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर कैशे जमा हो रखी होगी पूरी और रीसेट हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप WS रीसेट, आप जैसे ही लिखेंगे आपको ये रन कमांड कर देनी है इस तरीके से। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है इसका। ऑटोमेटिक सारे जो भी कैशे जमा हो रखे होंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के अंदर उसको सारा रीसेट कर देगा, सारी हिस्ट्री को, सारे यहाँ पर कैशे को, और आपका इशू फिक्स हो जाएगा। आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट यहाँ से रीसेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, ऑटोमेटिक यहाँ से लोड कर देगा माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर को। तब तक आपको वेट करना है इसका। रीसेट कर दिया ये पूरा, यहाँ पर रीसेट हो चुका है ऑटोमेटिक ओपन होके। इसको आपने क्लोज कर देना है यहाँ से और अपना सिस्टम एक बार आपको इस तरीके से रीस्टार्ट कर लेना। आपका इशू फिक्स हो जाएगा अगर यहाँ से कोई दिक्कत होगी कैशे में। तो अगर आपका इशू यहाँ से भी फिक्स नहीं होता दोस्तों रीस्टार्ट करने के बाद भी, तो मैं आपको दूसरे स्टेप पर लेकर चलता हूँ। दूसरे मेथड में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपने इस इशू को फिक्स करना है ट्रबल शूटर से। आपको उसके लिए यहाँ पर सर्च बार में ट्रबल शूट टाइप करना है। ट्रबल शूट सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा एडिशनल ट्रबल शूटर, इस पर क्लिक करना है आपको। इसको स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा और सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखा विंडोज स्टोर एप्स, इस पर क्लिक करना है और रन द ट्रबल शूटर करना है। और आपको इसी के अकॉर्डिंग स्टेप जो आगे फॉलो करना है, क्या एरर दिखाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको अगले स्टेप करना है और ये आपका इशू फिक्स कर देगा। अदरवाइज इसके बाद मैं आपको तीसरे मेथड पे लेके चलता हूँ। यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है इस तरीके से। दूसरे स्टेप में ट्रबल शूटर ने हमें एडवाइस किया है कि आप रीसेट कर सकते हैं ऐप को, तो उसको नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। और डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम्स, और थर्ड स्टेप में दोस्तों आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट रिक्वायर्ड हैंगिंग और क्रैशिंग एप्स। तो हमने अब माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर को यहाँ से रीसेट करना है, तो उसको क्लोज कर देना है यहाँ से और इसको क्लोज कर देना है यहाँ से। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर तीसरे मेथड में आपको यहाँ पर जाना है स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ पर सेटिंग का गेयर का आइकन है, इस पर क्लिक करना है आपको। आपको यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ये देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करना है आपको। एडवांस ऑप्शंस में थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू कलर का बटन है, इस पर क्लिक करना है आपको। अब यहाँ से आपको इसको रीसेट कर देना है नीचे करके। देख सकते हैं आप, यहाँ से आप इसको रिपेयर का भी कर सकते हैं और रीसेट कर सकते हैं आप। फिलहाल मैं रीसेट पे क्लिक करता हूँ यहाँ से। इसके अंदर जो भी डेटा होगा आपका, जो भी सेटिंग्स आपने किए होगी उसको रीसेट कर देगा। तो यहाँ से मेक श्योर कि आप रीसेट पे क्लिक करें। इसके बाद पूरी सेटिंग इसकी रीसेट हो जाएगी, जो भी आपकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग होगी इनेबल हो जाएगी। रीसेट हो चुका है यहाँ पर ये। एक बार आप इसको रिपेयर पे भी क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। इससे आपको कुछ भी डेटा का इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इन दोनों को ट्राई करने के बाद आपको एक बार अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर लेना है यहाँ से, आपका इशू फिक्स हो जाएगा। अगर तीन तीन स्टेप्स को भी फॉलो करने के बाद आपका इशू सॉल्व नहीं होता दोस्तों, तो मैं आपको चौथे और लास्ट स्टेप में आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आपने इस पूरे माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर को दोबारा रीइंस्टॉल करना है।
अगर तीसरे स्टेप से भी दोस्तों आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता तो मैं आपको चौथे स्टेप पे लेके चलता हूँ। अब चौथे स्टेप में दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर को रीइंस्टॉल करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे रीइंस्टॉल करना है इसके। तो पावर शेल के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको सर्च बार पर जाना है, यहाँ पर पावर शेल लिखना आपको इस तरीके से, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना आपको। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करना है। अब यस के लिए आपको प्रॉम्प्ट आएगा, तो यस करना आपको। अब इस तरीके से खुलेगा दोस्तों ये वाले कमांड आप देख सकते हैं। तो मैंने नोटपैड पे कॉपी कर रखी है ये कमांड। पहली कमांड ये है, आपको ये कमांड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मेरी। तो इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी के साथ। अगर आपका कंट्रोल वी काम नहीं कर रहा तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं यहाँ से और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो उसके बाद आपको इस तरीके से आपको एंटर कर देना है और इसको चलने देना है अभी। अब देखिए पहली कमांड यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी कमांड में क्या करना है दोस्तों, आपको नोटपेड पे जाना है। जो कमांड ये जो दे रखी है मैंने, नोटपेड पे पेस्ट करनी है आपको सबसे पहले ये। तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर ढूंढना है इसमें। तो आपको उसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है इस तरीके से, एडिट का ऑप्शन आएगा, एडिट पर जाना आपको। उसी के नीचे सबसे लास्ट में फाइंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना आपको। अब आपको ये लिखना है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट विंडोज स्टोर, एम बड़ा करना आपको, माइक्रोसॉफ्ट डॉट स्टोर विंडोज। और स्टोर स्टार्टिंग के वर्ड्स बड़े कर सकते हैं आप, और नेक्स्ट नेक्स्ट करना आपको। आपको यहाँ पर ये देखना है दोस्तों, इसको कट कर देते हैं यहाँ से, पैकेज फुल नेम ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर ढूंढना आपको। और जो ये पूरी कमांड है यहाँ से इसका पैकेज का, इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर देना है इस तरीके से। कंट्रोल सी के साथ जैसे कॉपी करेंगे आप उसको, नोटपैड पर चले जाना है आपने। आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंस्टॉल करना है, देखो इसको रिप्लेस करना आपको पैकेज फुल नेम के साथ, कंट्रोल वी कर देना आपको। अब देख सकते हैं आप, ये कंट्रोल वी के साथ ये कमांड यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको आप कॉपी कर देना इस कमांड को पूरी, इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल सी, और उसके बाद पावर शेल में जाना आपको और ये कमांड यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देनी है, एंटर कर देना है। ये हमारे उसको दोबारा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से, एग्जैक्ट कॉपी। यहाँ पर जाके एडिट पेस्ट एंटर। तो यहाँ पर ये कमांड चल नहीं रही है दोस्तों, आपको 2 से 3 बार ट्राई करनी है, कमांड चल जाएगा आपके सिस्टम में। अगर इससे भी आपका इश्यू सॉल्व नहीं होता तो लास्ट कमांड मैं आपको लिख रहा हूँ। आपको लिखना है SFC, SFC स्कैन करने के बाद आपको स्लैश करना है और स्कैन नाउ। एंटर कर देना आपको। ये आपके सिस्टम के अंदर पूरा इसका जो फुल फॉर्म होती है, सिस्टम फाइल चेकर होती है SFC। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी करप्टेड फाइल्स होंगी जिसकी वजह से आपका माइक्रोसॉफ्ट स्टोर काम नहीं कर रहा, उनको रिप्लेस करके अच्छी फाइल वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएगा, आपका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। इस कमांड को आपको 100% तक चलने देना, 15 से 20 मिनट लगाएगा आपके सिस्टम में, तब तक तो इसको रनिंग होने देना। और उसके बाद एग्जिट करके आपको अपना सिस्टम एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपका इशू सॉल्व हो गया होगा, जो मैंने आपको 4-5 मेथड्स बताए हैं। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।